करते हैं चैप्टर नंबर 6 यू टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसमें चार बेसिक हम चीज़ें कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स, नंबर 2 क्वेश्चनेयर एज अ रिसर्च टूल, नंबर 3 इंटरव्यू एज अ रिसर्च टूल एंड नंबर 4 टेस्ट एज अ रिसर्च टूल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर फॉर द चैप्टर नंबर 6 टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। नंबर 1 प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल। क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स रेफर्स टू द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज यूज्ड टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट न्यूमेरिकल डेटा इन रिसर्च स्टडीज। These tools are specifically designed to gather objective and measurable information, allowing researcher to study patterns, relationships, trends, and draw statistical inference. Quantitative research के जो tools हैं वो basically refer करते हैं उन instrumentations की तरफ, उन techniques की तरफ, उन methodologies की तरफ जिनसे के जरिए हम data को collect कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं, उनकी interpretation कर सकते हैं, उनका analysis कर सकते हैं रिसर्च स्टडीज़ के दौरान जो हमें न्यूमेरिकल डेटा मिलता है। ये टूल्स जो हैं ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं किस लिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी स्टडी के सेट हैं उनको गैदर किया जाए, उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो ली जाए, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो मेजरेबल हो, मेजरेबल इन अ सेंस कि उसको आइदर इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म, नंबर्स की फॉर्म में या फिर डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आप उसको मेजर कर सकें। और उसके अलावा ये जो है ये जो रिसर्चर होता है उसको अलाउ करता है कि वो स्टडी के पैटर्न्स को देख सके, जो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप देख सके और फिर उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड्स हैं उनको देख सके। देन उसके बाद जो उसका स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस लाइक जो एनालिसिस करता है उस वो जो ड्रा हो रहा है या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको भी जो है वो देख सके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सम क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स की जो कि मोस्ट ऑफनली यूज़ किए जाते हैं, वो हैं सर्वेज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, टेस्ट होते हैं, असेसमेंट होती हैं, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं और डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स होती हैं। एज जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि हम लोगों ने 3 टूल्स को देना है, क्वेश्चनेयर एज अ रिसर्च टूल, टेस्ट एज अ रिसर्च टूल और इंटरव्यू एज अ रिसर्च टूल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चनेयर एज अ रिसर्च टूल। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चनेयर की डेफिनेशन क्या है। अ क्वेश्चनेयर इज कॉमनली यूज्ड टूल इन रिसर्च टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल्स। क्वेश्चनेयर बेसिकली वो टूल है रिसर्च का। टूल क्या है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टूल क्या है। टूल वो एक फॉर्मेट है जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आइदर वो टेस्ट हो सकता है, वो इंटरव्यू हो सकता है, वो क्वेश्चनेयर हो सकता है, वो चेकलिस्ट हो सकती है, वो ऑब्जर्वेशन शीट्स हो सकती हैं, वो फील्ड नोट्स हो सकते हैं। क्वेश्चनेयर भी इसी तरह का एक रिसर्च टूल है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स यानी लोगों से। इसके अलावा क्वेश्चनेयर जो है ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसके ज़रिए स्पेसिफिक वेरिएबल किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेके उस पर कुछ क्वेश्चंस या कुछ स्टेटमेंट्स ली जाती हैं और उनसे जो है वो लोगों की राय ली जाती है कि हाँ जी आप हमें दें और हमें बताएं ये इसको फिल कर दें, और उसके बाद फिर जो है वो रिसर्चर उन सब को अकॉर्डिंग टू जो उसने मेजरेबल्स के जो उसने सेट की हुई हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उनको एनालाइज करेगा। Then questionnaires can be administered in various formats such as paper-based surveys, online surveys and interviews. और questionnaires को administer करने के भी different formats हैं। कभी या तो आप उनको paper-based in a cell किया, आपने questionnaire बनाया, उसका print लिया और उसको distribute कर लिया लोगों में और आपने उनको कहा कि हाँ जी हमें fill करके दे दें। अब आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आया आप लोगों ने कितने लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, 100 लोगों से ले रहे हैं, 200 से ले रहे हैं, 300 से ले रहे हैं। ऑनलाइन सर्वेज में ये होता है कि आप वो गूगल डॉक्स के ज़रिए जो है वो ऑलरेडी गूगल पे शीट्स पे जो है वो आप क्वेश्चनेयर डाल देते हैं और उनका लिंक जो है वो सेंड कर देते हैं और वो सारे ऑनलाइन फिल हो चुके होते हैं। उसके अलावा इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ की जो है वो बहुत ही टाइप्स हैं जो आगे हम जाके देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं किसी भी क्वेश्चनेयर की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। उसमें डेटा कलेक्शन होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए क्वेश्चनेयर में, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दोनों को मेजर कर रहा है,
फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें प्राइवेसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, रिस्पॉन्स रेट और कुछ नॉन रिस्पॉन्स बाइस जो हैं वो उनके जो चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हाउ क्वेश्चनियर्स आर यूज्ड एज अ रिसर्च टूल। क्वेश्चनियर रिसर्च टूल पे यूज कैसे होगा? अच्छा, अब बात कर लेते हैं हाउ क्वेश्चनियर्स आर यूज्ड एज अ रिसर्च टूल। क्वेश्चनियर्स आर वाइडली यूज्ड एज रिसर्च टूल्स इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग सोशल साइंसेस, मार्केट रिसर्च, साइकोलॉजी एंड हेल्थ केयर सेंटर। एजुकेशन के सेक्टर में भी आप जो है वो रिसर्च टूल जिस जिस एरिया में रिसर्च जो है वो यूज़ होगी या उसके अलावा आप जिस भी फील्ड में लोगों से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो क्वेश्चनियर वहाँ पे यूज़ होगा। और जो है वो मोस्ट जो है वो कॉमनली यूज टूल है जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। दे अलाउ रिसर्चर्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स इफेक्टिवली। हाउ क्वेश्चनियर्स आर टिपिकली यूज्ड एज अ रिसर्च टूल, अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी डिज़ाइनिंग द क्वेश्चनियर। अब ऑब्वियसली आपने क्वेश्चनियर को सिलेक्ट किया है तो क्वेश्चनियर की डिज़ाइनिंग बड़ी मैटर करती है। तो सबसे पहले रिसर्चर क्या करेगा, वो सेट ऑफ क्वेश्चन जो उसने देखे हैं उसकी स्टडी से जो रिलेटेड जो पॉइंट्स उसके माइंड में थे और उसको लगेगा कि हाँ जी इन पर आंसर चाहिए, वो उन स्टेटमेंट्स को राइट डाउन कर लेगा। अच्छा, अब इसके लिए ये क्या करेगा कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए रिसर्चर को उसके लिए क्वेश्चनियर डेवलप करेगा। क्वेश्चनियर्स होंगे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होंगे, रेलिवेंट होंगे टॉपिक से और फिर अनबाइस्ड होंगे। देन उसमें जो है वो केयरफुल कंसिड्रेशन होगी कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। लाइक अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं, ओपन एंडेड पर कर रहे हैं, लिकर्ट स्केल यूज़ कर रहे हैं, डाइकोटोमस आप यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो आपने उसको एक ही फॉर्मेट पे रखना है, ठीक है, जो आपके रिसर्च गोल से मिलता जुलता होगा। नेक्स्ट आपके पास आएगी सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग जो है ये रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर देगा बहुत से पॉपुलेशन से जिन पे वो जो है वो क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर करेगा। उसके अलावा वो जो सैंपल है वो आइडियली रिफ्लेक्ट करेगा उन करेक्टरिस्टिक्स को जो उनकी पॉपुलेशन के अंदर है। लाइक अब मेरे पास, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है जिन्होंने बहुत ही कोई वो फार फ्लंग एरिया से वो बिलोंग कर रहे हैं और वो किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं उस टाइम पे उन स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करूँगी जिनका जो लिंक है वो फार फ्लंग एरिया से होगा और उन्होंने अपनी जो पूरी स्ट्रगलिंग टाइप की जो उसकी रिसर्च है या जो उनका सक्सेसफुल कैरियर है मैं उन लोगों से लूँगी, ना कि मैं उस पॉपुलेशन में हर बंदे से डेटा कलेक्ट करूँगी। अब उसके अलावा मेरे पास होगा कि वो फील्ड मैटर करेगी, एजुकेशन की फील्ड से हैं तो मैं उन लोगों का डेटा कलेक्ट करूँगी, जो अगर मार्केट बेस से हैं तो उनके मैं वहाँ से डेटा कलेक्शन करूँगी, जो साइकोलॉजी से हैं मैं उनका डेटा, तो इस तरह की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं इस सब में। फिर बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चनियर। अब क्वेश्चनियर को एडमिनिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनियर्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च डिज़ाइन। फिर बात कर लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन की, तो कॉमन मेथड जो है वो पेपर बेस्ड सर्वेज हो सकते हैं, ऑनलाइन सर्वेज हो सकते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज़ होते हैं और मेल सर्वेज होते हैं। उसके अलावा जो है जो मेथड जो चूज़ किया जाता है वो ऐसा हो जो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो और कन्वीनियंट हो। देन इसका बेसिक टॉपिक पॉइंट आता है विच इज़ डेटा कलेक्शन। अब डेटा को कलेक्ट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वंस द क्वेश्चनियर इज एडमिनिस्ट्रेट द रिसर्चर कलेक्ट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। दिस कैन बी डन थ्रू मैनुअल डेटा एंट्री और पेपर बेस्ड क्वेश्चनियर्स आर ऑटोमेटिकली फॉर ऑनलाइन सर्वेज। अटेंशन इज पेड टू डेटा क्वालिटी एंड इंश्योरिंग द कॉम्पिटेंसीज एंड एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स। देन है जी डेटा का एनालिसिस। अब डेटा कलेक्शन के बाद ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस मेन पार्ट है, तो डेटा का एनालिसिस कैसे होगा कि रिसर्चर जो है वो जो क्वेश्चन पे या किसी क्वेश्चन पे जो रिस्पॉन्स है उनको एनालाइज करेगा।
इसमें क्या है कि आपने सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर उसको उसकी फाइंडिंग्स को समराइज किया जाएगा, फिर उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए जाएंगे, कुछ टेक्निक्स लगाई जाएंगी, कुछ पैटर्न फॉलो किए जाएंगे, कुछ ट्रेंड्स फॉलो किए जाएंगे, वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखा जाएगा. Then analysis is depend on the research questions and may involve both qualitative and quantitative method. अब qualitative and quantitative के methods बहुत change से हैं, जिसको हम chapter 1 का lecture जो है वो include करेंगे, तो सब मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी. Then जो है आ गया drawing conclusions. अब conclusions जो है वो बड़े important हैं. Based on analysis data, the researcher draws conclusion related to the research objectives. These conclusion may support or refute hypothesis, provide insights to the research topic, or contribute to existing knowledge. The researcher may also present the findings visually using chart, graphs, or tables for the better understanding. अब बात कर रहे थे टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर्स विद एग्जांपल्स की. तो क्वेश्चनेयर की एग्जांपल्स क्या हैं, सबसे पहले बात करते हैं. बहुत सी एग्जांपल्स हैं क्वेश्चनेयर की, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती हैं क्वेश्चनेयर्स में, मैं वो डिस्कस कर रही हूँ. नंबर वन इज स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर. अब स्ट्रक्चर क्वेश्चनेयर क्या होते हैं कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिनके रिस्पॉन्स का ऑप्शन ऑलरेडी गिवन होता है. और ये बड़ा इजी और क्विक मेथड है कलेक्शन में और डेटा के एनालिसिस में. लाइक इसकी एग्जांपल मैं लगा देती हूँ, व्हाट इज़ योर एज. तो आपने कुछ एज ग्रुप डिफाइन कर दिए. अब ये वो एज ग्रुप होगा जिनसे आप, जो आपकी स्टडी के लोग होंगे. आपने इतने लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, तो उसमें ये एज ग्रुप ऑलरेडी डिफाइन किया जाएगा कि हमारे पास इस एज ग्रुप के ये लोग हैं, तो हम इस एज ग्रुप के लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे. जब डेटा कलेक्शन होगा तो आप उस क्वेश्चन में फिर ये वाली रेंज तक लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस आ जाते हैं टाइप्स, एंड दीज आर लिकर्ट स्केल क्वेश्चनेयर्स. लिकर्ट स्केल क्वेश्चनेयर्स जो हैं ये इंटेंसिटी एग्रीमेंट के डिसएग्रीमेंट की स्टेटमेंट के साथ काम करते हैं. इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो उनको कुछ स्केल दिया जाता है जिस पे वो रेंज होती है, यानी 1 to 5 पे आपको उनको रेट करना होता है, या 1 to 7 पर रेट करते हैं. ये जो है ये भी मोस्ट कॉमन जो है वो क्वेश्चनेयर का टाइप है. इसमें ये है कि प्लीज़ रेट योर सेटिस्फेक्शन विद आर कस्टमर सर्विसेज. तो नंबर वन पे अगर वो, ये रिसर्चर कितनी मर्जी है कि वो नंबर वन पे क्या चीज़ रख रहा है और क्या चीज़ नहीं रख रहा, तो ये इस तरह का एक क्वेश्चनेयर का टाइप आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चनेयर की आ जाती है सिमेंटिक डिफरेंशियल क्वेश्चंस. ये जो है वो क्वेश्चनेयर जो है रिस्पोंडेंट के परसेप्शन को देख के और उसके ऑब्जेक्टिव को देख के दिया जाता है, और रिस्पोंडेंट जो है वो इंडिकेट करता है पोजीशन को उस स्केल पर जो दो अपोजिंग उनकी जो आंसर्स होते हैं. लाइक इसकी मैं एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि हाउ वुड यू रेट द कंपनीज वेबसाइट इन टर्म ऑफ यूज़र फ्रेंडलीनेस. कि हमारी जो वेब कंपनी की वेबसाइट है वो कितनी यूज़र फ्रेंडली है. अब आपने उसको रेट करना है, अगर अनफ्रेंडली है तो उसका रेट दिया जाएगा, और अगर यूज़र फ्रेंडली है तो उसका रेट नहीं दिया जाएगा, आपने उसको सेलेक्ट करना होगा. देन बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनेयर्स की. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनेयर्स जो हैं ये आपको ऑब्वियसली पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन से होते हैं. ये जो है रिस्पोंडेंट का जो सेट होता है आंसर्स का वो प्री डिफाइंड ऑप्शंस के साथ होता है, और इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट या अप्रोप्रिएट होता है वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो कौन सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है जिसको आप फॉलो करते हैं. तो इसमें 2 से 3 आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है, जिसमें जावा है, पैथन है, C++ एंड रूबी है. देन बात कर लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर्स क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर के अगेंस्ट है. अब ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर में ये है कि जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी मर्जी से कुछ डिटेल्स भी दे सकेगा, कुछ डिस्क्रिप्शंस लिख देगा आंसर में, अपने अल्फाज में वो देगा, और वो वैल्यू इंपॉर्टेंट वैल्यूज होंगी उनको वो ज़रूर लिखेगा. लाइक मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज. और किसी इंस्टीट्यूट के साथ आप गए हैं तो उनका क्वेश्चन लेगा. फिर उसके बाद आ जाते हैं डेमोग्राफिक क्वेश्चन. अब डेमोग्राफिक क्वेश्चनेयर जो है वो बड़े जो आपकी अपनी पर्सनल जो रिस्पोंडेंट है उसके हवाले से होते हैं. लाइक उसका एज, उसकी जेंडर, उसकी एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन. तो एग्जांपल में अगर दे देते हैं कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, अब कोई बंदा डेटा कलेक्ट दे रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है. आइदर उसने हाई स्कूल पास की है, उसके पास
बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, या फिर वो डॉक्टरेट है, या फिर अदर, वो अदर में फिर जो है वो हम इन चीज़ों को जो है वो निकाल देंगे, और उसके अलावा जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसको हम ऐड करेंगे उसमें। देन बात कर लेते हैं रैंकिंग क्वेश्चनियर्स की। रैंकिंग क्वेश्चनियर्स जो है ये रैंक ऑर्डर के साथ होते हैं, और इसमें जो है वो ऑप्शंस जो है वो प्रेफरेंसेस जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस होती है। लाइक रैंक द फैक्टर्स फॉलोइंग फैक्टर इन ऑर्डर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग अ वेकेशन डेस्टिनेशन, कि आपने कौन सी जो है वो अगर आप छुट्टियों पर जाना चाह रहे हैं तो आप कौन सी डेस्टिनेशन चूज करेंगे। तो उसमें कॉस्ट आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा, एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, कल्चरल अट्रैक्शन हो जाएगी, या फिर सेफ्टी आ जाएगी।